चांद निकलता है ना, ये सूरज सुबह नमोदार होने से पहले, पूरब की तरफ निकलने से पहले, गौसे आजम फरमाते हैं ये मेरी बारगाह में आके हाजिरी देता है, पहले मुझे सलाम करता है फिर आसमान पे चमकता है। चांद के बारे में गौसे आजम फरमाते हैं ये चांद रात में जो दुनिया को रोशनी पहुंचाता है उसकी मजा ये नहीं है बगैर मुझसे पूछे वो आसमान पे चमकना शुरू कर दे। गौसे आजम फरमाते हैं ये जब रात में चमकने के लिए निकलना चाहता है आके पहले मुझे सलाम करता है, मुझसे इजाजत लेता है, फिर वो आसमान पे चमकता है। उसी गौसे आजम की महफिल है हम और आप आए हैं। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं ना चाहूं तो दुनिया का कोई एक बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता है, अगर मैं ना चाहूं तो मेरी महफिल में आ नहीं सकता है। देखे इतने चलानी बुजुर्ग थे गौसे आजम, कोई बंदा नापाकी में नाम लेता तो चल जाया करता था, नापाकी में नाम ले लेता था, लेकिन मुस्तफा करीम ने फरमाया था कादिर जिलानी मेरी कौम को बड़ी बेपरवाह है, मेरी उम्मत बड़ी लापरवाह है, रखोगे मेरी कौम नापाकी में नाम लेगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अपना चलाल कर लो। मुस्तफा के कहने पे गौसे आजम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जिस उम्मत से आपको मोहब्बत है उससे मुझे भी बहुत मोहब्बत है, या रसूल अल्लाह आप जो चाहेंगे वो मैं करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मखदूमे सिमरा, फैजाने सालार मसूद गादी, फैजाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब तो जो करे हसन भाई, एक ईसाई आया गौसे आजम की बारगाह में, ईसाई कहते हैं हजरत ईसा को मानने वाले, इनको अरबी 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 हिसाब से शरीयत के हिसाब से इनको अहले किताब भी कहा जाता है। अहले किताब का मतलब इनके पैगंबरों को भी अल्लाह ने किताब अता फरमाई, इंजील को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारा गया। नबी के जमाने में किताबिया से शादी जायज थी, नबी के जमाने में किताबिया का काटा हुआ ज़बीहा हलाल था, लेकिन बाद में जब इनके अकीदे बदल गए, इनको इन्होंने अपनी किताबों में रद्दो बदल कर लिया, तो मुस्तफा करीम के जमाने के बाद से इनके अकीदे गड़बड़ हो गए। इन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह की बीवी बना दिया, हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी मान लिया, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे, अभी तीन खुदाओं की पूजा करने लगे, तो इन पे कुफ्र का फतवा साजिर कर दिया गया। अब न इनसे शादी जायज है, न इनसे ब्याह जायज है, न इनका काटा हुआ ज़बीहा हलाल है। आओ इसी तरह के ईसाई गौसे आजम की बारगाह में आया और कहने लगा गौसे आजम से, हुजूर मैंने सुना है कि मुसलमानों का अकीदा ये है, जब कोई मोमिन मर के कब्र में जाता है, जब किसी मोमिन का इंतकाल हो जाता है, जब कोई मोमिन दुनिया से चला जाता है, उसकी कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं हां बिल्कुल ये बात सही है, जब कोई नबी का चाहने वाला, शरीयत पे जान कुर्बान करने वाला, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने वाला मर के कब्र में जाता है तो नबी उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। अब वो ईसाई कहने लगा अच्छा एक बात बताइए, एक मरने वाला मरा है हिंदुस्तान में, दूसरा मरा है पाकिस्तान में, तीसरा मरा है अफगानिस्तान में, चौथा मरा है जापान में, पांचवा मरा है भूटान में, छठा मरा है हिंदुस्तान में, दुनिया के कोने कोने में न जाने कितने मुसलमान रोज मरते हैं, भजब में हिंदुस्तान वाले की जनाजे की नमाज है जोहर बाद, पाकिस्तान वाले की जोहर बाद, अफगानिस्तान वाले की जोहर बाद है, नेपाल वाले की जोहर बाद है, जापान वाले की जोहर बाद है, भूटान वाले की जोहर बाद है। बताओ तुम्हारे नबी एक है, पाकिस्तान जाएंगे तो हिंदुस्तान कौन आएगा, हिंदुस्तान जाएंगे तो बांग्लादेश कौन जाएगा, बांग्लादेश चले गए तो नेपाल कौन जाएगा, इसलिए तुम्हारा ये अकीदा झूठा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक नबी दुनिया के इतनी जगहों पे कैसे पहुंच सकता। ये ईसाई ने गौसे आजम की बारगाह में कहा, गौसे आजम फरमाते हैं वो तो नबी है नबी, ये कमाल तो उनके गुलाम कर दिया करते हैं, वो तो आका है आका। कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, गौसे आजम को जलाल आ गया, जलाल आने के बाद गौसे आजम फरमाते हैं आंखें बंद कर ले, जैसे उस बंदे ने आंखें बंद करी है बगल में इमली का पेड़ लगा हुआ था, गौसे आजम ने अपनी नजर इमली के पेड़ पे डाली है, अब नजर को हटाया है, ईसाई से कहते हैं अब चल रहा तू नजर डाल ले, इमली के पेड़ पे नजर डाल, जैसे ही ईसाई ने नजर डाली है क्या दिखाई पड़ता है, इमली के हर हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ
शादियां होगी मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, करामते गौसे आदम, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करीम गांव का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गौसे आजम कौन है जी? गौसे आजम, आज हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते ना, सुनो। गौसे आजम जब पढ़ने के लिए गए तो खाना खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, गरीबी का हाल यह है कि घर बहुत दूर, आने का कोई रास्ता नहीं। आप बाग में चले गए, बाग में 40 दिन तक जो बाग के पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, उन पत्तों को चूस चूस के गौसे आजम ने इनमें दीन हासिल किया। हमने तो गौसे आजम को खाली न्याज माते तक महदूद कर दिया, इसीलिए आपका नाम मोहियुद्दीन रखा गया। गौसे आजम फरमाते, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक बंदा निहायत नहीं को ना तमाम बिल्कुल मरने की कंडीशन में पड़ा था। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उसको उठा के सीने से लगाया, वो तरोताजा हो गया। मैंने उससे पूछा, अभी तो मरने के करीब था, अब तरोताजा कैसे हो गया है? वो कहने लगा, अब्दुल कादिर, मैं दीन हूँ, मजहब इस्लाम हूँ, तुमने मुझे सीने से लगा के नई जिंदगी अता फरमा दिया है, तभी से आपको मोहियुद्दीन कहा जा रहा है। क्या बात है, मोहियुद्दीन का मतलब होता दीन को जिंदा करने वाला। गौसे आजम ने दीन को असर नौ जिंदा किया है। आओ आगे बढ़ो, कौन है गौसे आजम, क्या शान रखते हैं गौसे आजम? एक दिन गौसे आजम अपने मजमे में बैठे 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 कुर्सी से इशारा फरमाते हैं, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गौसे आजम को नहीं मानते, गौसे आजम से पंगा ले लेते हैं। और मेरे भाई, गौसे आजम से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है? गौसे आजम से टकराने में कितना वबाल हो सकता है? आओ घर तवज्जो करो, गौसे आजम फरमाते हैं, कदम ही हाथ ही आला रहता बाकी कुल्ले वली इल्ला, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। एक होली साहब बड़े दूर रहते थे, उन्होंने कहा, मैं तो नहीं मानता मेरी गर्दन पे उनका कदम होगा। कहा कदम है, कहा गौसे आजम की गर्दन है, कदम और गर्दन का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं मानता हूँ मेरी गर्दन पे गौसे आजम का कदम होगा। ये बात जब गौसे आजम को पहुंची है तो गौसे आजम ने पहले उनकी विलायत को छीन लिया है। गौसे आजम को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, चाहे तो बंदे को वली बना देते हैं, चाहे तो उससे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता, उससे टकराना कितना कितना मुश्किल हो सकता है। सुने थोड़े थोड़े गौसे आजम ने कह दिया, जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं, उसकी गर्दन पे सुअर का कदम। अब दुनिया बड़ी हैरत में है, आसमान फट सकता है, चांद चमकना भूल सकता है, सूरज निकलना छोड़ सकता है, दरिया का पानी मोड़ सकता है, लेकिन गौसे आजम की जबान से निकला हुआ जुमला कभी रद्द नहीं किया जा सकता है। गौसे आजम की जबान से निकले हुए कलमात कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। अब दुनिया ये देखने के लिए तैयार है, गौसे आजम से पंगा ले लिया है इसने, गौसे आजम से इसने टक्कर ले ली है, गौसे आजम की फरमान का इसने इनकार कर दिया है। अब दुनिया तमाशा देखने को तैयार है। आओ देखो, अब वो पहले वली थे, दुनिया हाथ चूमती थी, इज्जत करती थी, सलाम करती थी, अपने अपने हम दावतों में बुलाती थी, बड़ी पर्दर मंजिलत थी इलाके में उनकी। लेकिन गौसे आजम ने कह दिया है, विलायत छीन ली और फरमाया, जिसकी गर्दन पे मेरा कलम नहीं होगा, उसकी गर्दन पे सुअर का कलम होगा। दुनिया देखने को तैयार है, इनको मोहब्बत हो गई एक लड़की से, और कौन सी लड़की? जो सुअर चराया करती थी, जो सुअर पाला करती थी, उससे मोहब्बत हो गई है। अभी उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। लड़की सुअर चराने जाती है तो ये साथ में जाते हैं, वो आती है तो साथ में आते हैं। दुनिया ने देखा है, गौसे आजम का कहा हुआ सही होने लगा है, गौसे आजम की जबान से निकला हुआ जुमला अपनी सेहत की दलील दे रहा है। आओ जरा देखो, एक दिन क्या हुआ, ये आशिक साहब उसके पीछे पीछे सुअर चराने के लिए घूम रहे हैं, सुअर के पैर में चोट लग गई, लगते ही आशिक साहब वो ऊपर लड़की कहती है, और मेरे महबूब और मेरे आशिक सिख रहे पास हुए, ये जो जानवर हमारा लंगड़ा रहा है ये पीछे रह गया है, सारे जानवर आगे चले गए हैं,
दुनिया ने देखा, गौसे आजम ने कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं होगा उसकी गर्दन पे सुअर का कदम हो जाएगा। सुअर को उठाया लेके आए, लड़की ने पूछा अच्छा एक बात बताओ मुझसे मोहब्बत करते हो? बोले हाँ हाँ बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तो तैयार हूँ मैं अब तुम्हारे लिए। बोलो क्या करना है? लड़की घर में गई, दस्तरखान बिछा दिया, बिछाने के बाद सुअर का पका हुआ गोश्त ला के रख दिया है, शराब की बोतल ला के रख दी है और कहती है अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो सुअर का गोश्त खाना पड़ेगा, अगर मुझसे सच्ची अकीदत है तो तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। ये बंदा दस्तरखान पे बैठ गया है, दुनिया तमाशा देख रही है, गौसे आजम का कैसा सबूत मिल रहा है? तवज्जो करें, अब ये पीर साहब जो दस्तरखान पे बैठे हैं इनका भी एक पीर था, उन्होंने गौसे आजम की बारगाह में माफी मांगी है। हुजूर अगर आप सस्ती कम नहीं करेंगे, आप नजर कर्म नहीं करेंगे, अभी मेरा चाहने वाला तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, मेरा चाहने वाला दुनिया से ईमान करा देगा, इसलिए हुजूर थोड़ी सी नरमी कर दे। गौसे आजम को रहना गया है, गौसे आजम ने थोड़ी सी नरमी पैदा कर दी है, नरमी पैदा करी, इधर ईमान की हरारत में जोश मारा, उठ के दस्तरखान पे खड़े हो गए, लड़की से कहते हैं तैयार हूँ लेकिन खुदा का रसूल का दिया हुआ ईमान बेचने को तैयार। अब तवज्जो करें, उड़ गए दस्तरखान से वापस आए, लोगों ने बड़ी लानतों मलामत करी, कहां थे तुम, कहां से कहां आ गए, किस मकाम पे थे, गौसे आजम से टक्कर लेके तुम कहां पहुंच गए? कहने लगे हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे गौसे आजम से माफी चाहिए। कहाँ रहते हैं? वो बताया गया फला जगह रहते हैं। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो, गर्दन पे रस्सी बांध दो और मुझे खींचते हुए ले चलो गौसे आजम की बारगाह में, ताकि दुनिया ये जान ले जो गौसे आजम कर दिया करते हैं खुदा उसको पूरा कर दिया करता है, दुनिया देख ले अंजाम को। और आइंदा गौसे आजम से पंगा लेने की सोच भी दिमाग से निकाल दी गई। सुभान अल्लाह, मेरे भाई गौसे आजम की महफिल में आयो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। गौसे आजम है ग्यारह में आप लोग करते नहीं करते? जोर से बोले करते नहीं करते? अच्छा ईमानदारी से वो हाथ उठाए जिन्होंने कभी ना कभी गौसे आजम की ग्यारहवीं का खाना खाया हो, वही लोग हाथ उठाए जिन्होंने खाया हो, जो नहीं खाए है उसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ नहीं खाए हो इसलिए इसकी ये सोच के उठा दो, क्या पता महीने में दो चार दिन बाकी है मिल जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुने ग्यारहवीं का फायदा क्या होता है? ग्यारहवीं करने से मिलता क्या है? ग्यारहवीं करने के फायदे हमें अल्लाह कैसे अता फरमाता? किताब का नाम नोट करो, जवाबुल कलीम में ये वाकया मजकूर है। हुजूर गौसे आजम के जमाने में बंदा गौसे आजम की ग्यारहवीं बड़ी शान से करता, बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत से करता, साल भर उस ग्यारहवीं का इंतजार करता था। जैसे महीना आता ना उसके दिल की दुनिया बदल जाती और गौसे आजम की ग्यारहवीं के एहतमाम में लग जाता था। एक दिन उसने अपनी बीवी से पूछा, मोहतरमा एक बात बताओ, अगर ग्यारहवीं के दिन मेरा इंतकाल हो जाए तब तुम क्या करोगी? अगर मैं ग्यारहवीं के दिन दुनिया से चला जाऊं तब तुम क्या करोगी? बीवी रोने लगी, कहती है खुदा के वास्ते ऐसी जबान पे बातें ऐसी ना लाएं। लेकिन वो शौहर पक्का था, आजमाना चाहता था, बीवी का इम्तिहान लेना चाहता था, बोलो क्या करोगी? उसने कहा जो दुनिया करती है वही मैं करूंगी, आपके कफन दफन का इंतजाम करूंगी, भाई परिवार में दोस्त द्वार में नातेदार में आपके जनाजे की खबर भेजी जाएगी, आपके जाने का दुनिया से मैं शोक मनाऊंगी, मैं गम करूंगी, आंसू बहाऊंगी। वो शौहर था, पक्का था, सच्चा था, गौसे आजम का चाहने वाला था। कहता ना ना खबरदार, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, अगर खुदा ना खास्ता ग्यारहवीं के दिन मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, पहले गौसे आजम की ग्यारहवीं मना लेना, पहले गौसे आजम की फातिहा करवा लेना। खुदा का करम देखे, अल्लाह की मर्जी देखे, आने वाले साल ग्यारहवीं के दिन ही बंदा दुनिया से चला गया।
फजर की नमाज के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब एक तरफ तो बीवी रो रही है कि शौहर चला गया, दूसरी तरफ दिमाग में वो बीवी की शौहर की वसीयत बार बार टक्कर मार रही है कि शौहर चला गया लेकिन जाने से पहले उसने तुमसे एक वादा करवाया था, अगर ग्यारहवीं के दिन मेरा इंतकाल हो जाए तो गौसे आजम की ग्यारहवीं में फर्क फर्क पड़ने देना। बीवी अब एक तरफ तो रो रही है, दूसरी तरफ शौहर की वसीयत उसे बार बार अपना वादा निभाने पर मजबूर कर रही है। बीवी ने दिल को पक्का किया, कहती है अब शौहर को जाना था चले गए, अब तो मेरे रोने से वापस नहीं आएंगे, मेरे मातम करने से वापस नहीं आएंगे, इसलिए ना जाते जाते जो मैंने उनसे वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया जाए। अब गौसे आजम का ये चाहने वाला मर के लेटा पड़ा है, बीवी ने ले जाके चारपाई पे चादर डाल दी है, जनाजे को घर में छुपा दिया है। गौसे आजम की ग्यारहवीं का खाना पकाने लगी है, दोस्त अहबाब में दावतें बांट दी गई है, अड़ोस पड़ोस में दावतें तकसीम कर दी गई है, नातेदार और रिश्तेदारों को खाने के लिए बुलाया गया है, परेशान से खाना तैयार किया जा रहा है। खाना तैयार हो गया है, गौसे आजम की फातिहा पढ़ दी गई है, फातिहे के बाद खाना शुरू है, लोग आते जा रहे हैं, गौसे आजम का फैजान खाते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, गौसे आजम का लंगर खाते जा रहे हैं, खाते खाते जब आखिरी वक्त आया है, अब औरत का बयान सुने, औरत कहती है जब आखिरी आखिरी टाइम चल रहा था, दस्तरखान पे एक ऐसा बंदा आया है जिसको मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, मैंने उनकी दावत करी नहीं, मैंने उनको कभी बुलाया नहीं, मैंने उनको कभी आज तक देखा तक नहीं था। वो आए दस्तरखान पे बैठ गए और बैठ के कहने लगे भाई खाना लाओ। खाना निकाल के जब दस्तरखान पे रखा गया तो कहते हैं बहुत सारे लोग आए सुबह से खाना खाने, लेकिन किसी ने घर वाले की फिक्र नहीं करी। अभी ये जो बंदा आया है इसने पूछा मेहमान तो आ गए, घर का मेहमान कहाँ है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, शानी गौसे आदम, करामती गौसे आदम, मसलकी आला हजरत। कहते मेहमान तो आ गए, मेजबान का औरत ने कहा हुजूर वो कहीं गए होंगे काम से, बाद में आके खाना खा लेंगे, आप खा लीजिए। लेकिन वो आने वाले बंदे ने कहा जब तक घर का मालिक आएगा नहीं तब तक मैं खाना, जोर से बोलो तब तक मैं खाना। अब वो औरत बड़ी परेशान, मेरे मौला ये रात जो मैं जानती हूँ मेरा रब जानता है। उन्होंने उनके इशारे से किनारे बुलाया और रोते हुए पर्दे के पीछे से कहती है हुजूर जिसको आप दस्तरखान पे बुलाने की बातें कर रहे हैं, जिसको आप अपने साथ खाना खिलाने की बातें कर रहे हैं, अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, वही मेरा शौहर था जो पूरा निजाम चलाता था, वही मेरे सर का ताज था जो मेरी हिफाजत करता था। आज सुबह फजर के बाद उसका इंतकाल हो गया है, उसका जनाजा घर में रखा हुआ है, लेकिन जाते जाते मेरे शौहर ने मुझसे एक वादा करवाया था, बताओ अगर मैं ग्यारहवीं के दिन मर जाऊँ तो तुम क्या करोगी? उन्होंने ये कहा था अगर ऐसा हो जाए मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, पहले गौसे आजम की ग्यारहवीं मना देना। हुजूर ये इलाज की बात है जो मैं जानती हूँ मेरा रब जानता है, आज से पहले अभी इस वक्त मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है, अगर ये राज आप लोगों के दरमियान खोल देंगे तो मेरा खाना बर्बाद हो जाएगा, गौसे आजम की ग्यारहवीं फीकी पड़ जाएगी, इसलिए खुदा के वास्ते आप खाना खा ले, अपनी रास्ता ले ले, हमारे जख्मों को न कुरेदा जाए, हमारे जख्मों को न छीला जाए। देखो आने वाला बंदा कहता है वो खातून जरा दिखाओ तो जनाजा रखा कहा है, और पर्दे के पीछे से दिखाया, ये देखो जनाजा सामने रखा है, जनाजा चारपाई पे पड़ा है, ऊपर से चादर पड़ी हुई है। वो बंदा करीब जाता है, करीब जाके चादर का किनारा पकड़ा, छक्का मार के फरमाते हैं उठो हमारे साथ खाना खाओ, उठो हमारे साथ खाना खाओ। जैसे ये जुमला उनकी जबान से अदा हुआ है, सुबह का मरा हुआ शौहर जिंदा हो गया है, मरा हुआ बंदा उठ के खड़ा हो गया है, आया दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगा। अब वो खातून बड़ी परेशान है, ऐ परवरदिगार आलम ये आने वाला बंदा है कौन? मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैं इसे पहचानती नहीं हूँ, मैंने आज से पहले इसको देखा नहीं है, मैंने इनकी दावत नहीं करी है, ये आए हैं मेरे शौहर को जिंदगी दे दी है। अब जैसे खाना मुकम्मल हुआ है शौहर के पास दौड़ के जाती है और कहती सुनो सुनो जरा बताओ तो मामला क्या है, जरा बताओ तो हाल क्या है, आगे ऐसा क्या ऐसे हो गया है। शौहर कहने लगा जाओ आराम कर लो, जाओ काम निपटा लो।
अभी तुम्हें बताया जाएगा कि आखिर ये कौन था, आने वाला कौन था। बीवी कहती नाना मुझे पहले बताए, मेरी उलझन दूर करे। शाहर बीवी को सीने से लगाया है, पेशानी को चूमा है और कहने लगा ओ मेरी शरीर के आया, तुझे पता नहीं आने वाला कौन था। अरे यही तो कहानी वाले पापा से आते थे शाहर को, जिन जिन तुम ग्यारहवीं कर रही हो वही गांव से आगम तशरीफ। नारे तकबीर नारे रिसालत पैदाने गौसे आगम मसल के आला हजरत। नारे तकबीर। ओ मेरे भाई एक बात बताओ, जो गौसे आजम मरे हुए बंदे को जिंदा कर सकते हैं क्या वो गरीबों की गुर्बत दूर नहीं कर सकते? जोर से बोलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या वो बीमारों को शिफा नहीं दे सकते? क्या वो तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर नहीं कर सकते? तो जिसका जिसका यकीदा है गौसे आजम बीमारियों से निजात दिला सकते हैं, वो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। वो हमारा भाई देखो बड़ी खुशी से सो रहा है, उसके कान में कहो सुभान अल्लाह। अभी से चलेंगे तुम गौसे आजम के ग्यारहवें कान, अभी तो 10 बजे। अब सुने एक छोटी सी बात और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। गौसे आजम किस तरह लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें दस्तगीर कहा जाता है, हाथ को पकड़ने वाला। गौसे आजम फरमाते अगर कोई बंदा गिर रहा हो, गड्ढे में पैर पड़ गया, गिरने वाला है, गिरने से पहले मेरा नाम ले ले तो मैं उसे कभी गिरने नहीं देता होता, मैं उसे बचा लिया करता हूं, समझे? वही गौसे आजम है। एक बंदा बीमार, माँ बहुत बीमार, नौजवान 12 साल से इलाज कराते कराते थक गया अम्मा का, लेकिन माँ ठीक नहीं हुई, बहुत परेशान, तरह तरह के डॉक्टरों को, हकीमों को, सर्जनों को, ना जाने किसको किसको दिखाया, लेकिन माँ ठीक नहीं हुई। एक दिन एक गौसे आजम का चाहने वाला मिल गया, कहता मेरे भैया दरे जाओ बगदाद, वहां एक बाबा रहते हैं जिनको अब्दुल कादिर कहा जाता है, उनके पास चले जाओ तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। वो कहने लगे ये बाबा उपा के बस की बात नहीं है, 12 साल से माँ बीमार है, ना जाने कितना गंदा, कितनी तावीज, कितना पानी, कितना दम, कितना सब कुछ कर लिया, माँ ठीक नहीं हो रही है, माँ ठीक नहीं हो रही है। वो कहने लगा भैया चले जाओ, ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई तुम्हारा रुपया लगेगा, जाओ चले जाओ। बेटा बड़ा परेशान था, माँ को लेकर तड़प रहा था, चला गया गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम से कहने लगा हुजूर माँ 12 साल से बीमार है, कुछ करने की माँ ठीक हो जाए। और मेरे भाइयों अगर तुम बीमार हो तो ये सोच के सुभान अल्लाह कहना कि अल्लाह ताला गौसे आजम के जलसे में हो सकता है तुम्हें बीमारियों से शिफा अता फरमा देगा। इसलिए पूरा मजमा एक बार हाथों को उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत कीमती बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म है। गौसे आजम के पास गया, कहने लगा हुजूर माँ बीमार है, 12 साल हो गया, बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, खड़ी नहीं हो पा रही है, इसलिए कुछ कर्म कर दे। गौसे आजम कहते जा घर चला जा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो कहने लगा हुजूर यही बात तो अभी तक सारे डॉक्टरों ने कहा है, सारे हकीमों ने कहा है, सबने यही कहा है ठीक हो जाएगी, लेकिन आज मैं तब जाऊंगा जब आप मुझे टाइम बता देंगे कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा। टाइम बताओ हुजूर, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे कै दिन लगेगा कै महीना लगेगा तब तक मैं जाऊंगा। हजरत 12 साल से बीमार है, कम से कम 12 महीना तो लग ही जाएगा। गौसे आजम मुस्कुरा के कहने लगे अबे 12 महीना छोड़, 12 हफ्ता नहीं लगेगा, पापा से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगा हजरत 12 साल से अम्मा बीमार है, आप कह रहे 12 हफ्ता नहीं लगेगा। गौसे आजम फरमाते हैं जब 12 हफ्ता भी छोड़, 12 दिन नहीं लगेगा। अब वो बड़ा परेशान, कहने लगा हुजूर 12 साल से माँ बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही, आप कह रहे 12 दिन नहीं लगेगा। गौसे आजम की करामत मुस्कुराती है, फरमाते 12 दिन भी छोड़, 12 घंटा नहीं लगेगा। आपको सुभान अल्लाह कहने में 2023 तो आ ही जाएगा, मैं तो समझा 2023 आने दीजिए। अब वो बड़ा परेशान, कहने लगा हुजूर मेरे जज्बात का जरा एहतराम रखे, मैं बड़ा दुखी बन रहा हूँ, थक गया हूँ मैं 12 साल से भागते, 12 साल से माँ बीमार, आप कह रहे 12 घंटा नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुरा के कहते हैं चचा 12 घंटा भी छोड़, 12 मिनट नहीं लगेगा। आप बात है,
12 मिनट नहीं लगेगा। अब वो और परेशान, उसकी परेशानी संदर भाई बढ़ती जा रही है। 12 साल से बीमार है, किसी ने 2 महीने का इलाज किया है, किसी ने 4 महीने का कोर्स करवाया है, कोई 6 महीने का, और ये पापा कह रहे हैं कि 12 साल से बीमार है, 12 मिनट नहीं लगेगा। कहने लगा हुजूर जल्दी बताए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सच में 12 मिनट नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुरा के कहते चचा 12 मिनट भी छोड़, 12 सेकंड नहीं लगेगा, 12 सेकंड नहीं लगेगा। अब वो बहुत परेशान कहने लगा हुजूर 12 साल से बीमार है, आप कह रहे 12 सेकंड नहीं लगेगा, अब सेकंड से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, अब जरा आगे बताएं क्या करना पड़ेगा। कोई तावीज है, कोई गंडा है, कोई पानी है, कोई लोबान है, कोई कैप्सूल है, कोई सीरप है, कोई टेबलेट है, कोई माजून है, जल्दी दीजिए, माँ को खिलाऊ काम हो जाए। गौसे आजम फरमाते हैं अब तो कादिर के यहाँ टेबलेट नहीं चलता है, गंडा नहीं चलता है, तावीज नहीं चलता है, पानी नहीं चलता है, तेल नहीं चलता है, लोबान नहीं चलता है। आज अपनी माँ के पास, माँ को उठा के बैठा लेना, सीने से लगा लेना और अपने माँ के कान में सिर्फ मेरा नाम ले लेना और कहना जल्दी से भाग जाओ, मुझे भेजा है, जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जल्दी से चले जाओ, मुझे मुहिद्दीन ने भेजा है। अब ये बंदे ने दौड़ लगाई है, जाके माँ के कदमों में पहुंच गया, कहने लगा अम्मा तेरे लिए नुस्खा ले आया हूँ। माँ कहने लगी बेटा पता क्या करना है, कहने लगा अम्मी जान ना दवा खानी है, ना सीरप पीना है, ना तावीज पहनना है, कुछ ना कुछ नहीं करना है। कहने लगी बेटा फिर क्या करना है, माँ को सहारा दे के उठाया है, उठा के बैठाया, अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद माँ के कान में कहता है जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जैसे नाम लिया गया है। 12 साल की बीमार माँ उठ के खड़ी हो गई है, उसके पूरे जात में कितना दम होगा, उसके पूरे वजूद में कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, करामते गौसे आदम, फैजाने सालार मसूदे गाजी।